जितने भी सीबीएसई और सीआईएससी के स्टूडेंट हैं उन्होंने बढ़ते कैंसिलेशन के मांग को लेकर, बढ़ते कोविड केसेस को लेकर, जिस तरह से कोविड फैल रहा है उन्होंने जितना बर्दाश्त करना उन्होंने कर लिया है, अब उन्होंने फिर से मांग उठाना शुरू कर दिया है। बढ़ते एग्जामिनेशन के कंडक्शन के चलते जितने भी सीबीएसई और सीआईएससी के स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ के क्लास ट्वेल्थ के, उन्होंने दोस्तों अब कांग्रेस के एमपी मेंबर ऑफ लोकसभा उनसे मदद मांगनी शुरू कर दी है, जिनका नाम है शशि थरूर से मदद मांगनी शुरू कर दी है। आपको मालूम होगा शशि थरूर एक बार और बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन में बढ़ चढ़ के आगे आए थे, इसीलिए स्टूडेंट ने फिर से उनसे मांग तेज कर दी है शशि थरूर से कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन को किसी तरह से सर कैंसिल पोस्टपोन करवा दीजिए। शशि थरूर कांग्रेस से एमपी हैं, हम आपको बता दें। शशि थरूर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के कैंसिलेशन को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शशि थरूर ने बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को लेकर कई सारे ट्वीट किए हैं, बच्चों को रिप्लाइज दिए हैं और किन किन बातों पर उन्होंने कहा है और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग क्या क्या जानकारी मिली है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में देंगे। आई होप आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री आर डिमांडिंग टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। यहाँ पे साफ साफ दोस्तों बोला गया है स्टूडेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री से, ऑल अक्रॉस द कंट्री सब जगह से बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के स्टूडेंट लगातार डिमांड कर रहे हैं, सीबीएसई के, सीआईएससी के, एनआईओएस के और यहाँ तक कि स्टेट बोर्ड के। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी भी लगातार डिमांड कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को, जिसके चलते उन्होंने शशि थरूर से बात की है, जो कांग्रेस के एमपी हैं, जो लीडर हैं कांग्रेस के, उनसे बात की है और उनसे हेल्प मांगी कि प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने के लिए। तब यहाँ पर ट्वीट किया गया है शशि थरूर की तरफ से, क्या ट्वीट किया गया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों पहले जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर किन किन बातों पर फैसला किया जा सकता है। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर जिस तरह से कोविड के ग्राफ में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऑन द स्पॉट राइज हो रहे हैं कोविड केसेस में, उसको लेकर गवर्नमेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर सकती है कुछ टाइम के लिए। दूसरी बात, बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को दोस्तों कैंसिल भी किया जा सकता है, बाय चांस अगर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा रेज होते हैं तो कोविड केसेस के चलते बोर्ड एग्जामिनेशन को वहीं पर रोक दिया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के चलते जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने शशि थरूर को बोला है, और यहाँ पे शशि थरूर ने ट्वीट किया है दोस्तों, वहाँ पे बोला है कि आई सिंपथाइज विद द प्रॉब्लम बट व्हाट्स द सॉल्यूशन इफ एग्जामिनेशन आर नॉट हेल्ड वॉन्ट द स्टूडेंट लॉस द ईयर। यानी कि शशि थरूर ने रिप्लाई दिया है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते हैं तो स्टूडेंट एक साल अपना वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बोर्ड कैंडिडेट है सीबीएसई की, उन्होंने रिप्लाई किया है कि रिक्वेस्टिंग डॉक्टर शशि थरूर टू रेज द वॉइस ऑफ दीज स्टूडेंट्स वाया, मतलब ट्विटर के माध्यम से आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लाइफ की बात है, यहाँ पे किसी छोटी मोटी बात नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे कैंसिल होने से हमारा साल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे बात आती है बोर्ड एग्जामिनेशन के दोस्तों कैंसिलेशन के चलते जो लाइफ का रिस्क है बच्चों का वो कम हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2022 स्टूडेंट सीख शशि थरूर हेल्प, जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया है कि इफ़ एग्जामिनेशन आर नॉट हेल्ड वॉन्ट द स्टूडेंट लॉस द ईयर, यानी कि अगर बच्चे एग्जामिनेशन को अटेंड नहीं करते हैं तो वो अपना एक साल लॉस कर देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात बोली गई है दोस्तों, कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमको कोविड केसेस को इग्नोर नहीं करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है और कोविड के लिए नई गाइडलाइंस का भी दोस्तों इस्तेमाल करना है। कोविड केसेस बढ़ते देखते हुए बोर्ड एग्जामिनेशन को भी रोकना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन के चलते सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आ सकती है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर जैसे कि आपको मालूम, कांग्रेस के जो एमपी हैं शशि थरूर, उन्होंने ट्वीट किया है, बताया है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं तो आपका एक साल ख़राब हो जाएगा। अब देखिए गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को लेकर। जितने भी यहाँ पर सीबीएसई और सीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास टेंथ के हों चाहे वो क्लास ट्वेल्थ के हों, उनके पेरेंट्स और वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, 2-3 पेपर कंडक्ट हो चुके हैं, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन के रोकने के बारे में क्या क्या बातें सामने आती हैं उस पर भी आइए डिस्कस करेंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के सेमेस्टर 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किन किन बातों का, गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा उस पर भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो के माध्यम से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो आप अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितने भी आपके CISC और CBSE के स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, आप उन तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या आपको हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टीचर से पूछ सकते हैं, हमारे टीचर से डायरेक्ट आप लाइव बात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके आप लोग बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको काउंसिल की तरफ से मिलती है सबसे पहले हम आप तक वीडियो बना के पहुँचा दें। धन्यवाद।